हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आप सब हैदर अली को तो जानते ही होंगे, जो कि पीएसएल में पेशावर जलमी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी खेल के आए हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। मैं आपको इनका सारा बायोडाटा बताने वाला हूँ कि पहले ये वेटर थे, वेटर से इनका ये अंडर 19, फिर पीएसएल और अब T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होने के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो सारा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड, बहुत ही शानदार होने वाली वीडियो है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। यह यूट्यूब आप सभी का है। आप किसी के बारे में कुछ भी डिटेल चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएँ। हैदर अली के फ़ैन है तो कमेंट बॉक्स में हैदर अली लाजमी टाइप करें, और जिस खिलाड़ी के भी आप फ़ैन हैं उसका कमेंट बॉक्स में लाजमी टाइप करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। हैदर अली फ्रेंड्स हज़ारा में रहते थे, वहाँ दहशतगर्दी के बारे में जो पहले कुछ अरसा कबल इस तरह की बातें होती रहती थी और जो वहाँ हालात थे आप सभी को पता है, उसकी वजह से 2011 में हैदर अली के वालिद ने ये फ़ैसला किया कि वो कराची जा के रहें। वो कराची आए और छोटा सा घर लिया। हैदर अली के वालिद एक टैक्सी ड्राइवर हैं और वो चाहते थे कि ये पढ़ें, पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल करें, लेकिन हैदर अली ने पढ़ाई के साथ ये सुबह 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल जाते थे और फिर 2 से 3 घंटे एकेडमी में क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे, फिर 1-2 घंटे रेस्ट करके शाम 7 से रात 1 बजे तक एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब भी इन्होंने की, काफ़ी अरसा की। तो इस तरह हैदर अली ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इनकी मेहनत के वजह से पहले ये अंडर 16 में सेलेक्ट हुए, फिर अंडर 19 में भी सेलेक्ट हो गए। कैदन ट्रॉफी में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे स्कोर किए। तो इस तरह इनकी सिलेक्शन होती गई। और आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि वेटर, पहले ये वेटर थे, आप भी अपने माइंड में ये बात दोहरा लें कि ये वेटर से कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, इनकी मेहनत रंग लाई है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जज्बे से, बहुत ज़्यादा इनको इश्क था क्रिकेट से, तो इन्होंने अप्लाई करते गए, आगे से आगे मेहनत करते गए और सिलेक्शन होती गई। तो इस तरह आज ये पीएसएल के साथ इनको बहुत उम्मीद की जा रही है कि T20 वर्ल्ड कप में भी ये सिलेक्ट हो जाएंगे। और इनकी इनिंग आपको कैसी लगती है, आप इनके फ़ैन हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और किसी का डाटा चाहते हैं तो